गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर कंटेम्पररी इंडियन एजुकेशन समकालीन भारतीय समाज और शिक्षा के अंतर्गत हम लोग विभिन्न शिक्षा से संबंधित विभिन्न विचारकों के विचारों को जान रहे थे, समझ रहे थे कि उनके अनुसार शिक्षा क्या है और वो किस तरह की होनी चाहिए। इसमें हमने गांधी जी को प्रारंभ किया था। अब तक हम लोग इसके पहले के वीडियोस में गांधी जी के दर्शन और उनके शिक्षा से संबंधित जो उनका जीवन दर्शन, शिक्षा से संबंधित जो उनके सिद्धांत थे उनको हम देखें। आज हम देखेंगे कि जो उनका जीवन दर्शन था या जो सिद्धांत थे उनके आधार पर उन्होंने शिक्षा को कैसे तो परिभाषित, किस तरह से परिभाषित किया है और शिक्षा के उद्देश्य क्या निर्धारित उन्होंने किए। तो सबसे पहले हम देखते हैं गांधी जी ने शिक्षा के अर्थ को किस तरह से कोट किया है या उसको समझाने का हमने प्रयास किया है। तो उनके अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है? तो गांधी जी का कहना था कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य क्या है। तो शिक्षा से मेरा अभिप्राय, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे तथा मनुष्य के, बच्चे तथा बच्चे तथा मनुष्य के शरीर मन तथा आत्मा, मन तथा आत्मा से सर्वोच्च तत्वों से सर्वोच्च तत्वों को बाहर बाहर निकालना है। अगर गांधी जी की इस परिभाषा को हम देखते हैं या इन विचारों को हम देखते हैं तो उनका कहना क्या था कि शिक्षा से उनका क्या अभिप्राय था कि बालक या मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा से, यानी कि उसके शरीर, शरीर में मन और आत्मा से क्या चीज, सर्वोच्च तत्व को बाहर निकाल, सर्वोच्च तत्व। अब आप कहेंगे कि मन की बात तो समझ में आ गई कि मन में क्या है, बालक क्या चाहता है, किस तरह से सोचता है, इस चीज को बाहर निकालने का तो मतलब भी शिक्षा है। लेकिन शरीर के सर्वोच्च तत्व कौन से हैं? यानी कि बालक शरीर से जो विकास कार्य करने की क्षमता रखता है उसका प्रशिक्षण उसे प्रदान करना ही शिक्षा है। केवल ज्ञान दे देना या शब्दों से उसे किसी चीज को समझा देना मात्र शिक्षा नहीं। शिक्षा का मतलब यह है कि शरीर के सर्वोच्च तत्व यानी कि शरीर से वे किसी कार्य को बहुत कुशलता पूर्वक कर सके, यानी कि किसी स्किल का डेवलपमेंट उसमें होना चाहिए। दूसरी बात मन, यानी कि उसकी अपनी रुचि, उसकी इच्छा के अनुसार जैसा वो कार्य करना चाहता है वैसे कार्य का उसे प्रशिक्षण, सबसे श्रेष्ठ प्रशिक्षण प्रदान करना ही शिक्षा है। और आत्मा यानी कि स्व अनुभूति, यानी कि वो सेल्फ अपने आप को क्या अनुभव करता है, वो अपने आप को किस तरह से पहचान सकता है, अगर जब उसमें इन दोनों का विकास होगा वही प्रयास जो है वह शिक्षा है। अर्थात शिक्षा वही है जो बालक को शारीरिक श्रम करना सिखाए, उसकी रुचि योग्यता क्षमताओं के अनुकूल कार्य करने के का प्रशिक्षण प्रदान करे और उसे स्व अनुभूति का एहसास कराए या स्वयं को समझने पहचानने का प्रशिक्षण प्रदान करे, वही शिक्षा है।
बाकी किसी भी प्रकार की शिक्षा शिक्षा नहीं है, अर्थात अक्षर ज्ञान को गांधी जी ने शिक्षा नहीं माना है। उनका मानना यह था कि केवल अक्षर ज्ञान दे देना मात्र शिक्षा नहीं है। कल भी हमने यही चीज देखी थी कि चाहे वो कितना भी भाषा पांडित्य हो, चाहे उसमें कितने भी उच्च कोटि का ज्ञान दिया गया हो, लेकिन अगर वो व्यक्ति के जीवन के लिए उपयोगी नहीं है, उसे स्वरोजगार के लिए तैयार नहीं कर सकते, आत्मनिर्भर नहीं बना सकते, तो वह शिक्षा नहीं। इसी आधार पर उन्होंने शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित किया कि शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए। हम शिक्षा के उद्देश्यों को देखेंगे। शिक्षा के उद्देश्यों को उन्होंने दो भागों में बांटा है। शिक्षा के उद्देश्यों को उन्होंने दो तरह से परिभाषित या समझाने का प्रयास किया है। पहला जो था उनका वह है तात्कालिक उद्देश्य। पहला इसमें क्या है, तात्कालिक उद्देश्य, यानी कि वे जो तत्काल बालक को प्राप्त हो या तत्काल उसका प्रभाव उसमें परिलक्षित हो, वे तात्कालिक उद्देश्य। उसमें सबसे पहला है चरित्र निर्माण। सबसे पहली जो बात इसमें कही गई गांधी जी ने उद्देश्य निर्धारित किया वह चरित्र निर्माण। यानी कि गांधी जी ने शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित किया कि शिक्षा के माध्यम से बालक के चरित्र का निर्माण होना चाहिए, यानी कि चारित्रिक गुण या चारित्रिक विशेषताओं का उसमें विकास होना चाहिए। अगर व्यक्ति जैसे सत्य का पालन करना एक चरित्र की विशेषता है, अहिंसा का पालन करना चरित्र की विशेषता है, जो गांधी जी के मूल मंत्र थे। अगर शिक्षा बालक में इन चीजों का विकास नहीं कर सकती है तो फिर उस शिक्षा का कोई भी प्रयोजन नहीं है। इसीलिए शिक्षा का पहला उद्देश्य है कि बालक के चरित्र निर्माण में सहयोग करे। दूसरी बात है संपूर्ण विकास। संपूर्ण विकास यानी कि इसे हम सरल शब्दों में बात करें तो सर्वांगीण विकास करना, यानी कि शिक्षा केवल बालक का बौद्धिक विकास ही नहीं बल्कि उसका सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक धार्मिक व्यावसायिक हर तरह का विकास उसका करे, वही शिक्षा होनी चाहिए। अर्थात शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। शिक्षा का स्वरूप इस तरह से निर्धारित किया जाए कि बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। नेक्स्ट बात जो आती थी जीविकोपार्जन या व्यावसायिक उद्देश्य। जीविकोपार्जन या व्यावसायिक उद्देश्य, यानी कि शिक्षा वह जो बालक को जीविकोपार्जन के लिए तैयार कर सके या उसे किसी व्यवसाय के लिए तैयार कर सके, यानी कि शिक्षा पूर्ण करने के बाद में बाहर निकलकर बालक बेरोजगार न रह पाए बल्कि वह स्वयं किसी रोजगार को प्राप्त कर लेने की उसमें क्षमता विद्यमान होनी चाहिए या वो कौशल उसमें विद्यमान होना चाहिए, यानी कि उस कौशल का विकास करना ही शिक्षा है। जिसको कि बालक शिक्षा पूर्ण करने के बाद जब विद्यालय से बाहर जाता है तो वह उससे अपना रोजगार प्रारंभ कर सके या तो व्यवसाय प्रारंभ करके और अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक आदर्श। लोकतांत्रिक आदर्श यानी कि लोकतंत्रात्मक गुणों का विकास शिक्षा के माध्यम से होना चाहिए, यानी कि शिक्षा इस तरह से बनाई जाए, उसका ढांचा इस तरह से बनाया जाए जिससे कि लोकतांत्रिक गुणों का जो विकास होना चाहिए वह विकास आसानी से हो सके। अगला उद्देश्य उन्होंने निर्धारित किया सांस्कृतिक उद्देश्य। सांस्कृतिक यानी कि अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति के बारे में जानकारी देना, जानकारी प्राप्त हो बालक को और नवीन के साथ में
अपनी सभ्यता और संस्कृति का तालमेल यानी कि वर्तमान के साथ में उसका इस तरह से तालमेल स्थापित करें जिससे कि वे परंपराएं सांस्कृतिक व्यवस्थाएं यथावत बनी रहें और वर्तमान के विकास के मार्ग में भी बाधा न बन सके। यानी कि शिक्षा का कार्य है कि बालक को अपनी सभ्यता और संस्कृति से परिचित कराना और उसके साथ वर्तमान के साथ में आधुनिक युग के साथ में उनका समायोजन करने की क्षमताओं का विकास करना शिक्षा का उद्देश्य है कि बालक को इस तरह से वह प्रशिक्षण प्रदान करे। नेक्स्ट है नैतिक और आध्यात्मिक विकास। नैतिक व आध्यात्मिक विकास यानी कि बालक का नैतिक व आध्यात्मिक विकास होना चाहिए। नैतिक गुण क्या है, नैतिक संस्कारों का पालन कैसे करना चाहिए, कौन से हैं, उनका दुरुपयोग से क्या होता है, उपयोग से क्या फायदे, यानी कि एक तरह से नैतिक व्यवस्थाएं क्या हैं, नैतिक संस्कार क्या होते हैं, बालक को कैसे उनका पालन करना चाहिए, इसका प्रशिक्षण देना। आध्यात्मिक विकास यानी कि अध्यात्म के प्रति, क्योंकि अध्यात्म के प्रति जब बालक में कुछ भाव विचार होंगे, भाव होंगे, तभी उसमें नैतिक गुणों का विकास हो सकता है। इसीलिए उसे अध्यात्म के और नैतिक विकास के लिए शिक्षा का पाठ्यक्रम या उसका स्वरूप इस तरह से निर्धारित होना चाहिए जिससे कि बालक में नैतिक गुणों का विकास और आध्यात्मिक क्षमताओं का विकास हो सके। फिर बाद में आता है निहित पूर्णता, यानी कि पूर्व में निहित जो पूर्व में बालक में योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं, उनका और अधिक विकास करना। जैसे कि बालक बहुत अच्छा ढोलक बजाता है, बहुत अच्छा गाता है, बचपन से है वो, उसका एक उसके अंतर्निहित गुण है, उसको और अधिक निखारना ही शिक्षा है जिससे कि बालक और उससे संबंधित और अधिक ज्ञान प्राप्त कर सके। क्योंकि जो उसमें पहले से है वो उतना ही है जितना उसको प्राप्त है, स्वतः ही प्राप्त किया है उसने, लेकिन और अधिक जैसे टेक्निकली कोई नॉलेज होती है वो बालक स्वयं से नहीं समझ पाता है, तो शिक्षा का कार्य है कि वह उस क्षेत्र से आगे बढ़ा, उसकी उस क्षमता को और अधिक निखारने का कार्य करे। फिर है धार्मिक विकास। धार्मिक विकास, क्योंकि गांधी जी धर्म के विरोधी नहीं थे, वे किसी एक धर्म की शिक्षा देने के पक्षधर नहीं थे, तो फिर धर्म के विरोधी भी नहीं थे, क्योंकि वे आदर्शवादी थे, वे ईश्वरीय सत्ता में विश्वास रखते थे, इसीलिए वे अध्यात्म पर भी बल देते थे और अध्यात्म से जुड़े हुए धार्मिक मूल्यों को भी वे महत्वपूर्ण मानते थे। इसीलिए धर्म के विकास से संबंधित शिक्षा पर भी बल देते थे कि शिक्षा ऐसी हो जो बालक के अपनी धार्मिक विचारधाराओं का विकास यानी कि एक धार्मिक संस्कारों का विकास कर सके। ऐसा नहीं कि कट्टरता हो, लेकिन ईश्वरीय सत्ता में वो विश्वास करे। जब वो धार्मिक मान्यताओं को मानता है तो वो अन्यों के प्रति नैतिक मतलब अन्यों के प्रति समर्पण या सम्मान की भावना उसमें सदा ही विकसित होने लगती है, इसीलिए वो धार्मिक विकास पर भी बल देते थे। और लास्ट है स्वयं में विकास, विश्वास, स्वयं में विश्वास यानी कि खुद में विश्वास रखने की क्षमताओं का विकास बालक में होना चाहिए। अर्थात कि बालक खुद पर विश्वास करे कि जो कार्य मैं कर रहा हूँ या जिस तरह से मैं कर रहा हूँ मैं सही कर रहा, यानी कि उसका आत्मविश्वास का विकास हो, ऐसी शिक्षा का स्वरूप निर्धारित होना है। शिक्षा का उद्देश्य है जिसमें कि बालक में आत्मविश्वास का विकास हो सके। दूसरा जो उद्देश्य था उनका वह था सर्वोच्च उद्देश्य, सर्वोच्च उद्देश्य, सर्वोच्च उद्देश्य यानी कि सत्य व ईश्वर की प्राप्ति, सत्य व ईश्वर, ईश्वर की प्राप्ति अर्थात स्व अनुभूति। इसको हम एक शब्द में बात करने तो बालक में स्वयं की अनुभूति, स्वयं किसी कार्य को समझने
और किसी की बात विचारधारा, किसी के व्यवहार, किसी की मंशा, किसी की सोच को समझ लेने में, खुद को समझ लेने की योग्यता उसमें विकसित हो, वही उद्देश्य है। यानी कि शिक्षा ऐसी जो बालक के तात्कालिक उद्देश्य यानी कि तात्कालिक क्षमताओं का विकास कर सके और दूसरा सर्वोच्च गुणों का विकास कर सके, सर्वोच्च गुणों से में उसे स्व अनुभूति के गुण का विकास हो सके और तात्कालिक उद्देश्यों में जहाँ चरित्र निर्माण, उसका सर्वांगीण विकास हो, जीविकोपार्जन के लिए तैयार किया जाए, लोकतांत्रिक गुणों का विकास हो, सांस्कृतिक मूल्यों का विकास हो, नैतिक संस्कारों का विकास हो, अंतर्निहित क्षमताओं का विकास हो, धार्मिक विकास हो और स्वयं को समझने में समझ लेने की क्षमता का विकास हो, आत्मविश्वास का विकास हो, यही वही शिक्षा के उद्देश्य होने चाहिए। आशा करते हैं कि मेरी बात आपको समझ में आएगी। इसी के आधार पर आपको एक प्रश्न करना है कि गांधी जी के द्वारा शिक्षा भी बताए गए शिक्षा के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। गांधी जी द्वारा बताए गए शिक्षा के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इस प्रश्न को आपको हल करना है। अपनी बात को समाप्त करने से पहले COVID-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें, बहुत अधिक आवश्यकता हम कोई घर से निकलते हैं तो तीन बातों का ध्यान रखें। मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।